ये सब जो फटाके फूट रहे ना वो मेरी आने की खुशी में फूट रहे, समझ रहे तुम? सॉरी, आने की नहीं, मेरे जाने की खुशी में फूट रहे यहाँ पर सारे फटाके। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज 26 अगस्त है और हम लोगों को पता है कि बालाघाट आए हुए हैं। बालाघाट भी आए हुए हैं हमारी सिस्टर के यहाँ, वो इसलिए क्योंकि राखी का त्यौहार है और हम सिस्टर मेरे घर आ नहीं सकती इस बार। हम सिस्टर के घर पे हैं जो कि बालाघाट यूपी में खुद का सेटअप कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ देख रहे होंगे कि राखी तैयारी के बनवा ली, वो इसलिए क्योंकि आज 26 तारीख है और अभी रात को 11 बजे की ट्रेन है, तो मैं 28 तारीख को सुबह घर पहुंचूंगा। और मैं जल्दी इसीलिए आया था क्योंकि घर पे भी रिलेटिव्स वगैरह आएंगे, मेरी बुआ वगैरह आएगी, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर जल्दी आके और जल्दी घर पहुँच जाऊँ क्योंकि घर का भी सब कुछ मैनेज देखना पड़ता है। तो अभी 11 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमारे लिए खाना वाना सब कुछ रेडी हो चुका है। हम खाना वाना पैक कर लिए है, यहाँ से खाना वाना खाएंगे और निकलेंगे। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो इसलिए कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, आराम ज़्यादा दोस्त पूरा, उसको मैंने पैसे दिए कि तू टिकट कर दे, उसने गलत जगह की टिकट कर दी, फिर बोल रहा है कि रिफंड आ जाएगा, तो टेंशन मत ले, तू जा तेरे लिए टिकट मैं बुक कर दूंगा। 3 दिन से उसने फ़ोन नहीं उठाया, इसी चक्कर से मैं टिकट के चक्कर के लेट हो गया हूँ और कल मैंने बुकिंग करी, तो अभी मिलना मुश्किल है। फिर भी एक सीट अवेलेबल है क्योंकि मेरा एक दोस्त रेलवे में ही, मैंने उससे बातचीत करी तो बोला कि भाई एक टिकट अवेलेबल है और हो सकता है कि तो आ जाके टीटी से बात कर कि टिकट मिल जाए। अब फाइनल गोंदिया स्टेशन पे जाने के बाद ही पता पड़ेगा कि हमें टिकट मिलती है या नहीं मिलती, तो सीधी सी बात है जनरल में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो भाई इस जर्नी से मेरे को एक लेसन मिला है, वो ये मिला है कि कभी भी है ना दूसरों पे डिपेंड मत रहो, दूसरों पे भरोसा बिल्कुल। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे जीजा जी है और मेरे चैनल पे पहली बार है, तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। चलो ठीक है, मिलते हैं देखो ना दिवाली पर। ये ट्रेन आ गई है हमारी गोंदिया के लिए। ओहो, चलो उठाओ। जो आदत मेरी हुई ट्रेवलिंग में वो कभी नहीं हुई। अभी हम नागदा जंक्शन पे हैं और कल रात 11 बजे से चले थे और अभी टाइम हो चुका 3 बज गए और रात को हम वही 11 बजे के आसपास घर पहुंचेंगे। टिकट कैंसिल हो गया था क्योंकि वेटिंग ज़्यादा थी और फिर अब जनरल में सफ़र करना पड़ा और जनरल में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत टफ है जनरल में सफ़र करना। सीट नहीं मिलती, कोई लोग दादागिरी करने लग जाते हैं, गलती से बैठ जाए तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल है जनरल का। 8:34 हो गए, ट्रेन अभी भी सवाई माधोपुर में ही है, जयपुर जाते जाते रात के 12 बज जाएंगे, यानी कि लगभग 1.5 दिन का सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा 7:30 से लेकर दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक। ये लो जी, पहुंच गए हम जयपुर जंक्शन पे। करुण भगत लेके चल। ये लो जी, 27 घंटे के बाद हमारी दुख भरी पहली ट्रेन जर्नी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और ये सफ़र बहुत ही खराब रहा। हाँ, ये हमेशा याद रहेगा क्योंकि हमने लगभग 10,000 रुपये फूके भी और हमें टिकट भी नहीं मिली, उसके बाद में जनरल टिकट लेना पड़ा। अब वो पता नहीं रिफंड कब आएंगे, पता नहीं है, लेकिन ये मेरी पहली ट्रेन जर्नी थी और ये बिल्कुल ख़राब रही। चले
अशोक भाई और इंतजार कर रहे मेरा भाई, दोस्तों तो इसके जैसा। इस जर्नी में मेरे को बहुत सारी परेशानियां देन झेलनी पड़ी। पहली टिकट की परेशानी, ये जो आज मैं जनरल में सफर करके आया हूँ इसका समस्या मैं आपको बताता हूँ एंड में। बात ये हुई कि मैंने एक मैंने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर करे कि तू दोनों टिकट कर दे, तो उसने क्या करा कि एक टिकट गलत कर दिया। वो बोला कि भाई 2-3 दिन में रिफंड आ जाएगा, मैं तेरा टिकट दोबारा कर दूंगा, और तू ऐसा कर मैं तेरे लिए जाने का टिकट तो करता हूँ, 2-3 दिन बाद आने का टिकट कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, उस बंदे ने मेरा टिकट ही नहीं करा, और फिर मैंने यानी कि मैं कल निकला तो उसके 2 दिन पहले मैंने टिकट करा और वो वेटिंग में चला गया। अगर वो बंदा उस टाइम टिकट कर देता तो शायद आज मेरे को ये देखना नहीं पड़ता, और शायद सही करा उसने। देखो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, उसने अगर नहीं करा तो ये एहसास मेरे को कब होता कि जनरल में कैसे सफर करा जाता है, और शायद ही मैं जनरल में सफर नहीं करता। शायद ही मैं जनरल में सफर नहीं करता, लेकिन कहते हैं ना जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही खराब रहा और अच्छा भी रहा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। व्यूज बढ़ाओ यार, मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। चलो भाई बोल दे, बाय बाय बाय।